दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मेहंदी डिज़ाइनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपनी इस स्पेशल ब्राइडल मेहंदी की ट्रेनिंग में। गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूं लाइव अपनी ब्राइडल मेहंदी के हैंड पे ट्रेनिंग। ये मेरी ब्राइड हैं और इनके हाथ पे मैं लाइव ये ट्रेनिंग देने वाला हूं। जो गलतियां आप कर रहे हैं या फिर आपको ब्राइडल मेहंदी लगानी नहीं आती है और आपका भी ड्रीम है कि मेरे जैसी मेहंदी को सीखना, तो गाइस आज मैं जो भी गाइड करूँगा, एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से समझना, एक एक चीज़ आपके बहुत ही काम आने वाली है। सबसे पहले हमने ये फ्लावर बनाया हुआ है, देखिए जो लोटस बना रहे हैं हम, एक एक लाइन को, एक एक लेयर को बहुत ही प्यार से, बहुत ही फिनिशिंग से बना रहा हूँ मैं। और उसके बाद जो है जगह है, यहाँ पर छोटी सी आउटलाइन दी है, फिर अगेन आउटलाइन दी है, यहाँ पर मैंने इसके बीच में तीन लेयर्स दिए हैं ताकि यहाँ पर मैं छोटी सी एक लीव बना सकूँ। जिस प्रकार से मैं गाइस ये लीव बना रहा हूँ, एक एक एलिमेंट को बना रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ब्राइडल मेहंदी लगा रहे हैं तो हर एलिमेंट के बाद आपको अपनी कोन को क्लीन करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस पोजीशन में बैठे हैं, आपका हाथ बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए और आपका जो वेट है वो आपके पिलो के ऊपर या फिर आपके ही हाथ के ऊपर होना चाहिए। कभी भी क्लाइंट के हाथ के ऊपर वेट ना डालें। देखिए मैंने भी हाथ रखा हुआ है बट क्लाइंट के हाथ पे वेट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है जिससे उनको मालूम भी ना पड़े। अब देखिए एक एक लाइन को मैं बहुत ही प्यार से बना रहा हूँ और हर एलिमेंट पे कोन को क्लीन भी कर रहा हूँ। अब अगेन मैंने ये लीव दिए है, अब इसको मैं लोटस के थीम में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पर भी मैंने दो बार आउटलाइन दिए, एक इधर और एक इधर, इसको मैं लोटस बनाऊंगा। अब गाइस यहाँ जो जगह बचती है वहाँ पर आप राउंड सर्कल या फिर राउंड या फिर आप जो भी छोटे छोटे एलिमेंट हैं वो दे सकते हैं मधुबनी के रूप में। और जब आप इसको भरते हैं, फिल करते हैं, तो एक पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको आउटलाइन को कवरअप करना है। और जब आपकी आउटलाइन अच्छे से कवर हो जाए फिर आपको मधुबनी को बहुत ही प्यार से, एक एक चीज़ को बारीकी से भरना है और मेहंदी को बहुत ही कम पुश करना है, ज़्यादा पुश ना करें। अगर ज़्यादा पुश करेंगे तो ध्यान रखें गाइस आपकी मेहंदी में क्लैरिटी नहीं आएगी। देखिए ये डिज़ाइन मैंने पहले दे दिया था क्योंकि इस टाइप के पैटर्न में आपको बहुत बार दे चुका हूँ। ये जो आप देख रहे हैं रोज़ फ्लावर्स हैं और जो ये लीफ हैं कैसे बना रहा हूँ, देखिए एक एक चीज़ कितनी बारीकी से, कितनी आराम से मैं इसकी मधुबनी को फिल कर रहा हूँ ताकि इसका जो लुक है वो अट्रैक्टिव लगे, बिल्कुल भी बेकार ना लगे देखने में। अब मैं इस पूरी मधुबनी को बहुत ही आराम से बाउंड्रीज को पहले फिल करके भरूँगा पूरा अच्छे से। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आप बना रहे हैं, अगर आपके हाथ में इस प्रकार की फिनिशिंग नहीं आ पा रही तो गाइस आप एक एक एलिमेंट को, एक एक डिज़ाइन को, एक एक लेयर को बहुत ध्यान से समझिए। हो सकता है कि कोई ऐसी गलती हो जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, इसीलिए आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं आ पा रही है। मैं आपको यकीन से बोलूँगा, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलूँगा, अगर आप सीख के, सोच के, समझ के मेहंदी को लगा रहे हैं या फिर ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपके हाथ में बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आएगी जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। एक एक लाइन को अच्छे से बनाएं। और गाइस जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की हर एक इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल नोटिफिकेशन आप तक आए। ये मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है। सोचिए इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सिर्फ आप लोगों के लिए लाया हूँ ताकि आप घर बैठ के अच्छे से मेहंदी को सीख सकें। अब देखिए मैं चेक फिल कर रहा हूँ, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले मैंने डॉट दिया है, अब दोनों साइड में हल्की हल्की सी लेयर दूंगा बिना कोन को पुश करे और मैं इसको कवरअप कर दूंगा। ठीक है, एक एक एलिमेंट को, एक लाइन को कितनी प्यार से बना रहा हूँ, कितने प्यार से मैं ड्रॉप दे रहा हूँ। और एक तरीका इसका होता है कि मैं इसको डायरेक्ट बनाऊँगा, बट ध्यान रखें गाइस दोनों में ही ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो यकीन मानिए फिनिशिंग कट्स लेयर बहुत ही फाइन, बहुत ही क्लियर आएंगे। अगर आप इस प्रकार से एकदम डायरेक्ट बना रहे हैं तो देखिए उसमें और इसमें काफ़ी अंतर होगा, मतलब फिनिशिंग के मामले में अगर मैं कहूँ तो 20-25% का अंतर आ जाता है। क्योंकि देखिए वो मैंने एक एक लाइन को बहुत प्यार से दिया और ये मैं एकदम डायरेक्ट दे रहा हूँ, तो आप भी दे सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा चेक है। और इस चेक के बाद जो जगह बचती है, सपोज अगर जगह लग रही है कि बची हुई है, तो यहाँ पर आप आराम आराम से डॉट दीजिए, लेकिन जो डॉट्स दे रहे हैं वो आपको टच करना है, पुश करना है, टच करना है, पुश करना है। एक एक डॉट को फिनिशिंग के साथ
क्लैरिटी के साथ बनाएं ताकि आपकी डिज़ाइन की जो खूबसूरती है वो निखर के उठ के आए। अब देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है, इसका जो लुक है, इसका जो व्यू है कितना प्यारा, एकदम कर्सिव लुक लग रहा है, एकदम 3D में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ये ग्रूम बनाया हुआ है, जगह बहुत कम थी, और उसके बाद डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस किया है, एक एक लाइन को, एक एक डिज़ाइन को, एक एक एलिमेंट को बहुत ही प्यार से बनाया है। अब बात करते हैं दूसरे हैंड की, दूसरे हैंड को हमने स्टार्ट कर दिया है और इसको मैं बहुत ही बारीकी से आपको गाइड करने वाला हूँ कि ओपनिंग कैसे दें। सबसे पहले एक राउंड सर्कल दीजिए, उसके ऊपर दो बार या सिंगल बार स्मॉल सर्कल, फिर हल्के हल्के हाथ से ड्रॉप दीजिए, टच कीजिए, पुश कीजिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप आउटलाइन दीजिए, आउटलाइन के बाद टच करना है, पुश करना है, टच करना है, पुश करना है, हल्के हल्के हाथ से अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, उसके अकॉर्डिंग कोन को पुश करना है। और बार बार देखिए ध्यान से, मैं बार बार हर एलिमेंट के बाद कोन को क्लीन कर रहा हूँ। तो गाइस मैं कोन को क्लीन करता हूँ तो आपका भी राइट बनता है कि जितनी बार मैं क्लीन कर रहा हूँ उससे ज़्यादा बार आप कोन को क्लीन करें। अब इसी प्रकार से एक इधर फ्लावर, एक उधर फ्लावर, एक बीच में फ्लावर, तीन फ्लावर बनाएंगे जैसे मैंने इस तरह बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा लीफ। सबसे पहले एक मैं आउटलाइन दूंगा थोड़ी बोल्ड करके, यहाँ पर मैं आउटलाइन एक अगेन दूंगा तो ये लीफ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। बीच में मैं आउटलाइन दूंगा, उससे पहले यहाँ पर मैं चार लेयर दूंगा, पहली बड़ी लेयर, फिर छोटी लेयर, फिर अगेन छोटी लेयर। और लेयर्स में भी क्लैरिटी होनी चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए और कट्स होने चाहिए। अगेन मैं यहाँ पर लीफ दूंगा, लीफ के बाद चार लेयर्स आएंगी जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। गाइस सोचिए इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी वैल्यूबल ट्रेनिंग मैं आपके लिए लाया हूँ। ट्रेनिंग अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, बहुत लोगों को देखता हूँ मैं ट्रेनिंग को पूरा अटेंड करते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। तो गाइस लाइक क्या करें, लाइक करने से मेरा कॉन्फिडेंट, मेरा मोटिवेशन और भी इंक्रीज होता है ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से और ट्रेनिंग लाता रहूं। जब मैं मोटिवेट रहूंगा तो गाइस मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन लाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा जिस प्रकार से मैं मेहंदी लगा रहा हूं उसी प्रकार से आपको भी लगाना सिखाऊं। देखिए गाइस बीच में मैंने लाइन दी है लीप के और उसके बाद मैं हल्के हल्के हाथ से लेयर दे रहा हूं और एक एक लेयर कितनी क्लियर बना रहा हूं, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रही हैं। एक एक लाइन को जब आप फिनिशिंग के साथ बनाते हैं तो गाइस आपकी फिनिशिंग, आपका डिज़ाइन खिल के आता है, स्माइल करता है। और जब इसको हम बोल्ड करते हैं तो एक मोटी सी आउटलाइन दीजिए, फिर उसको आप आउटलाइन को पूरे अच्छे से कवरअप कीजिए, फिर उसको अच्छे से फील कीजिए ताकि लेयर अलग लगे और जो मधुबनी का जो लुक है वो अलग लगे। अब बनाते हैं ये वाला चेक, ये भी मॉडर्न चेक है और बहुत ही अच्छा चेक है। पहले आप एक स्क्वायर की तरह आउटलाइन दीजिए, चारों तरफ क्रॉस चेक बनाइए, उसके बाद आप टच कीजिए, पुश कीजिए, टच कीजिए, पुश कीजिए, आराम आराम से आउटलाइन को कवरअप कीजिए। बहुत ही सुंदर चेक है ये। और इसके बाद इसके अंदर हम करते हैं मधुबनी को फिल, जैसे हमने ऊपर किया है। तो गाइस मधुबनी एक ऐसा डिज़ाइन है जिससे जिसे मान लीजिए जिनके हाथ में कलर बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जिस जगह मैं मेहंदी भी लगा रहा हूँ, जिस पार्ट पे लगा रहा हूँ हैंड के, इस जगह पे जो आप देख रहे हैं जहाँ कलर्स बनाया हुआ है मैंने, जहाँ मैंने ओपनिंग दी हुई है, इस जगह पे ब्राइडल मेहंदी के कलर बहुत कम आते हैं। हमेशा 90% ब्राइडल की कंप्लेंट यही होती है कि मेरे कलर बहुत कम आता है, कुछ ऐसा कीजिए कि कलर उभर के आए, खिल के आए। तो मैं आपको यही बोलूँगा, ओपनिंग में मधुबनी का यूज करें, मॉडर्न डिज़ाइन का यूज करें और थोड़ी सी मेहंदी को मोटा निकालना सीखें। मोटी के बाद मेहंदी बारीक होती है, जिस प्रकार से मैंने दिए हुए हैं। देखिए आप बीच में मधुबनी है तो साइड में मैंने फिलिंग की हुई है, इससे क्या होता है डिज़ाइन खिल के आता है, अट्रैक्ट करता है और उभर के आता है, कलर भी प्रॉपर आता है। क्योंकि मैं कई बार ब्राइडल की बेडिंग को अटेंड करता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ उसको दोबारा ना करूँ। अब गाइस बात करते हैं बैक हैंड के डिज़ाइन की। बहुत लोगों की कंप्लेंट थी कि सर आप बैक हैंड का डिज़ाइन नहीं दिखाते हैं या नहीं लगाते हैं, क्या है पता नहीं, प्लीज़ क्लास लेके आइए। तो गाइस देखिए ये बैक हैंड का डिज़ाइन है, आप सबसे पहले आउटलाइन दीजिए, लेयर दीजिए उसके बीच में, और इसी प्रकार से इसे मैंने आगे फिल किया हुआ है। एक एक लाइन को अच्छे से बोल्ड कीजिए, मधुबनी को भरिए। अब देखिए बैक हैंड का डिज़ाइन, अगर आप चाहते हैं इस प्रकार का बैक हैंड का डिज़ाइन मैं आपको सिखाऊं तो गाइस आप लोग कमेंट कीजिए, अपनी राय लिखिए, अपने बारे में लिखिए कि कितने टाइम से मेरी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, और आप अगर चाहते हैं इस प्रकार की ट्रेनिंग को लेके आऊँ तो गाइस कमेंट जरूर करें। और पूरी ट्रेनिंग अगर अच्छी लगी हो तो गाइस आपसे यही बोलूँगा
ये लाइक कर दें और इस ट्रेनिंग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि आपकी तरह और भी लोग ट्रेनिंग का आनंद ले पाएं। थैंक यू सो मच गाइस।